इस बार का सीजन काफी अनएक्सपेक्टेड रहा। सिर्फ सीजन ही नहीं, पूरा का पूरा साल ही अनएक्सपेक्टेड रहा है। आमतौर पर देखा जाए तो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में हर महीने 2.25 लाख पैसेंजर कार्स काफी आराम से बिक जाती हैं। जैसे कि इसी साल अगस्त में टोटल 2,34,000 पैसेंजर कार्स बिकी थी। उसके बाद सेप्टेम्बर में सेल्स में काफी इंप्रूवमेंट आया, 2,92,000 पैसेंजर कार्स बिकी। फिर अक्टूबर में काफी बेहतरीन इंप्रूवमेंट आया, 3,33,000 कार्स बिकी, जिसको देखकर लगा कि इस बार का सीजन तो काफी जबरदस्त होने वाला है। अक्टूबर में ही इतनी ज्यादा सेल्स हुई है तो नवंबर और दिसंबर में तो आसमान छुएगी सेल्स। लेकिन हुआ इसका कुछ उल्टा ही। नवंबर में आके सेल्स कम हो गई, 2,86,000 गाड़ियां ही बिक पाई, और दिसंबर में आके मतलब कि इस महीने तो और कम हो गई, 2,76,000 गाड़ियां ही बिक पाई हैं। ये साल भले ही इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए अच्छा ना रहा हो, लेकिन कुछ कंपनीज ने तो कमाल ही कर दिया है। किया मोटर्स ने एक से एक धुरंधर गाड़ियां लॉन्च की हैं और सभी गाड़ियों की सेल्स काफी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये टाटा मोटर्स को पछाड़ नहीं पा रही। चलिए देखते हैं दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं और किस कंपनी की क्या रैंक है। मैं यहाँ पर प्रीमियम ब्रांड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उन सभी कॉमन ब्रांड्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका 95% का प्रोडक्ट लाइनअप 20 लाख रुपए के बजट के अंदर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 14th पोजीशन पर है जीप। दिसंबर के महीने में इस कंपनी ने पूरे भारत के अंदर सिर्फ 384 गाड़ियां ही बेची हैं। अगर पिछले महीने नवंबर से कंपेयर किया जाए तो इस कंपनी की 46% गाड़ियां कम बिकी हैं। 13th पोजीशन पर आई है निसान। इस कंपनी ने 1,159 गाड़ियां बेची हैं दिसंबर में पूरे भारत के अंदर। अगर पिछले महीने नवंबर से कंपेयर किया जाए तो इस कंपनी की लगभग 14% गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं। 12th पोजीशन पर आई है स्कोडा। इस कंपनी ने 1,303 गाड़ियां बेची हैं दिसंबर के महीने में। अगर पिछले महीने नवंबर से कंपेयर किया जाए तो स्कोडा की 24% गाड़ियां लगभग ज्यादा बिकी हैं। 11th पोजीशन पर आई है फोर्ड। इस कंपनी की मात्र 1,662 सिर्फ 1,662 गाड़ियां ही बिच पाई हैं दिसंबर में। पिछले महीने नवंबर से कंपेयर किया जाए तो फोर्ड की लगभग 58% गाड़ियां कम बिकी हैं। फोर्ड ने इंडियन मार्केट में काफी लंबे समय से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है। उसकी इको स्पोर्ट सबसे ज्यादा बिकती है, उसको भी काफी लंबे समय से कोई फेसलिफ्ट नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से सेल्स नीचे ही जाती जा रही है। 10th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन। इस कंपनी ने 2,401 गाड़ियां बेची हैं दिसंबर में। पिछले महीने नवंबर से कंपेयर किया जाए तो इस कंपनी ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है 70% की। 9th पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजेस। इस कंपनी की 4,010 गाड़ियां बिकी हैं दिसंबर में। पिछले महीने के कंपैरिजन में लगभग 4.25% की सेल्स कम हुई है इस कंपनी की। 8th पोजीशन पर आई है टोयोटा मोटर्स। इस कंपनी ने दिसंबर के महीने में 7,487 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत में। मतलब कि पिछले महीने नवंबर के कंपैरिजन में इस कंपनी की 12% सेल्स कम हुई है। 7th पोजीशन पर है होंडा। इस कंपनी ने 8,638 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत में। पिछले महीने नवंबर के कंपैरिजन में इस कंपनी की भी लगभग 13.5% सेल्स कम हुई है। 6th पोजीशन पर आई है रेनो। इस कंपनी ने 9,800 गाड़ियां बेची हैं। पिछले महीने के कंपैरिजन में इस कंपनी की भी लगभग 4.25% सेल्स कम हुई है। 5th पोजीशन पर वो कंपनी आई है जिसने पूरे साल 2020 में कोई कसर नहीं छोड़ी भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए, लेकिन टाटा मोटर्स ने कभी भी ऐसा होने नहीं दिया। मैं बात कर रहा हूँ किया मोटर्स की, जो लगभग पूरे साल 4th लार्जेस्ट कंपनी बनी रही भारत की, और तीसरी पोजीशन पर इसकी लगातार नजरें रहीं, लेकिन टाटा ने कभी भी अपनी जगह किसी और को आने नहीं दिया। इस कंपनी ने दिसंबर के महीने में 11,818 गाड़ियां बेची हैं। मतलब कि पिछले महीने नवंबर के कंपैरिजन में इस कंपनी की लगभग 44% सेल्स कम हुई है। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा, जो हमेशा ही 5th पोजीशन पर आती थी। इस कंपनी ने 16,182 गाड़ियां बेची हैं।
पिछले महीने नवंबर के कंपैरिजन में इस कंपनी की भी 11% सेल्स कम हुई है। महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों को BS6 में अपग्रेड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, अभी भी सारी गाड़ियों को अपग्रेड नहीं कर पाया है। लेकिन इस साल 2021 में महिंद्रा काफी नई गाड़ियां लॉन्च करने वाला है, कुछ बेहतरीन गाड़ियों की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करने वाला है, जिसके बाद यकीनन इस कंपनी की गाड़ियों की सेल्स बढ़ने वाली है। और थर्ड पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स। इस कंपनी ने 23,546 गाड़ियां बेची हैं दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। मतलब कि पिछले महीने नवंबर के कंपैरिजन में टाटा मोटर्स की 9% गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं। 14 कंपनियों में से सिर्फ 5 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी पिछले महीने के कंपैरिजन में ग्रोथ हुई है, जिनमें से एक टाटा है। सेकंड पोजीशन पर आई है हुंडई मोटर्स। इस कंपनी ने 47,400 गाड़ियां बेची हैं दिसंबर के महीने में। मतलब कि पिछले महीने नवंबर के कंपैरिजन में इस कंपनी की 3% गाड़ियां कम बिकी हैं। और फर्स्ट पोजीशन पर आई है हमेशा की तरह मारुति। इस कंपनी ने 1,40,754 गाड़ियां बेची हैं दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। नवंबर के महीने के कंपैरिजन में इस कंपनी ने लगभग 4% गाड़ियां ज्यादा बेची हैं। तो आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर हर महीने बढ़ता ही चला जा रहा है। एक से एक कंपनियों को टाटा अब पीछे छोड़ने लगी है। इस चैनल पर आपको जल्दी ही इसी तरह के कमाल के वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपको 2020 में सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे कम बिकने वाली गाड़ी, SUVs, सेडान्स, MUVs सबके बारे में पता चलने वाला है। तो इसलिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी इस चैनल से जुड़ जाएं और एक से एक बेहतरीन वीडियोस के मजे लें। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।